जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, हम लोग आज पहुंच चुके हैं वैष्णो धाम और अभी हैं हम लोग चेक पोस्ट पर। इस चेक पोस्ट को जैसे ही हम पार करेंगे हम लोग पहुंचेंगे बाण गंगा पर। जी हां, आज हम आपको करवाएंगे दर्शन बाण गंगा के और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे चरण पादुका की ओर। कहते हैं माता रानी ने यहाँ पर भैरव बाबा को मुड़कर देखा था। इसके बाद माता के जो पैरों के निशान चिन्ह हैं वो आज भी वहाँ पर साक्षात बने हुए हैं। तो आइए दर्शन करते हैं, जय माता दी। कथाओं के अनुसार हनुमान जी को जब बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो उन्होंने माता रानी से कहा कि मुझे माँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। फिर क्या हुआ, माता रानी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और धरती पर जैसे ही मारा फिर एक धार निकली और वो धार धरती पर इस कदर बहने लगी कि उसी को कहा जाता है बाण गंगा। फिर हनुमान जी ने उस बाण गंगा से अपनी प्यास बुझाई और माता रानी ने अपने केश भी धोए। तो जय माता दी भक्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और आपको ले चलते हैं। प्यारे भक्तों, आप लोग देख रहे हैं ये जो घाट आपको नजर आ रहा है ये है बाथिंग घाट। यहाँ पर हजारों भक्त माँ के नाम की डुबकियां लगाते रहते हैं, जय माता दी करते हुए स्नान करते रहते हैं। प्यारे भक्तों, वैसे गंगा का पानी काफी ठंडा है और जब आप एंट्री लेंगे तो वाकई में आपको अजीब सा लगेगा, भाई इतना ठंडा पानी कैसे नहाऊंगा, कैसे मैं मतलब स्नान करके आगे बढ़ूंगा। वैसे यहाँ का पानी बहुत ही पवित्र है, साफ सुथरा है। गंगा के बीच में छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जिसमें बैठकर भक्त लोग नहाते हैं। कोई तो डुबकी लगाता है, कोई तो इसमें तैरता है। ऐसे ही नहा नहा कर भक्त जय माता दी करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ का नज़ारा तो बड़ा ही खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। हम तो यहाँ आकर के बड़े ही खुश हुए। जय माता दी, आप लोग भी आइए अपने बच्चों के साथ, माँ के दर्शन कीजिए, माता के नाम की डुबकियाँ लगाइए और जय माता दी करते हुए आगे बढ़िए। ओ माँ के नाम की डुबकी लगाऊंगा, ओ माँ के नाम की डुबकी लगाऊंगा, जब मैया के धाम में जाऊंगा, बाण गंगा में खूब नहाऊंगा, ओ बाण गंगा में खूब नहाऊंगा, जब मैया के धाम में जाऊंगा, ऊंची ऊंची चढ़ाया चढ़ जाऊंगा, ऊंची ऊंची चढ़ाया चढ़ जाऊंगा, वैष्णो धाम को जब मैं जाऊंगा। जय माता दी भक्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रथम चरण पादुका दर्शन, जहां महामाई के पैरों के निशान अभी भी मौजूद हैं। तो हम आज उन्हीं के दर्शन करेंगे, माता के दर्शन करेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर, आइए करते हैं माँ के दर्शन। जय माता दी। प्यारे भक्तों, हम लोग पहुंच गए हैं यात्रा मार्ग पर और चढ़ रहे हैं माँ के नाम की चढ़ाइयाँ। भाई ढोल वाला तो माँ की मस्ती में ढोल बजा रहा है, तो आइए इसकी मस्ती में हम लोग खो जाते हैं और माँ के नाम के कुछ जयकारे लगाते हैं। तो चलो चले, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ कमेंट जरूर देना, जय माता दी, हमें बड़ी खुशी होगी। तो आइए चलते हैं, जय माता दी।